हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद आस्था। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ विद आस्था में। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना प्री बोर्ड का रिजल्ट, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं आया है। जैसे मैंने सोचा था वैसा तो बिल्कुल नहीं आया है। मैंने मेहनत की थी पर उतना अच्छे से हो नहीं पाया। हमारे स्कूल में रूल्स हैं कि हमें कॉपी घर नहीं लेके जाने देते, और इस वजह से ही मम्मी ने मतलब गुस्से में वहाँ पे मतलब उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स को गुस्सा आता ही है। तो मम्मी बहुत गुस्सा हो गई थी और उन्होंने वहाँ पे वीडियो बनाया पापा को दिखाने के लिए, क्योंकि पापा ड्यूटी जा रखे थे। तो मम्मी मेरे साथ आई थी रिजल्ट देखने के लिए, तो उन्होंने वहाँ पे जो थोड़ा बहुत वीडियो बना दिया, तो मैं आप लोगों को वही दिखा दूंगी। और देखने का तो मुझे भी मन नहीं कर रहा है उसको, वो इतना गंदा आ रखा है, पर फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जब हर अच्छी बात शेयर करती हूँ तो हर मतलब बुरी बात शेयर करना भी एकदम मैंडेटरी है। और यहाँ पे मैंने बहुत सारी सिले मिस्टेक्स की, जिसकी वजह से मेरा स्कोर एकदम डाउन हो गया। और आज मुझे ये पता चल गया कि हाँ, मतलब सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, आप लोगों को पूरा टाइम मैनेजमेंट और हर चीज़ पे फोकस करना पड़ता है। जैसे पूरी प्लानिंग चाहिए होती है एक एग्ज़ाम में स्कोर करने के लिए। और एक तरह से मैं ये सोच रही हूँ कि ये अच्छा भी हुआ, क्योंकि मुझे इससे बहुत कुछ सीखने को मिला बोर्ड्स में करने के लिए, कि मतलब बोर्ड्स में कैसे मुझे अटेम्प्ट करना है पूरा क्वेश्चन पेपर, कैसे क्वेश्चन पेपर नहीं छूटेगा। तो मैं फर्स्ट बात करती हूँ साइंस की। तो साइंस में मेरा जो केमिस्ट्री पार्ट था उसमें मुझे प्रॉब्लम हुई, जैसे कि यहाँ पे टिक द करेक्ट आंसर एंड ऑल सब ठीक था। उसके बाद जो केमिस्ट्री पोर्शन था उसमें जैसे धीरे धीरे प्रॉब्लम होती गई। यहाँ पे जैसे कि ये बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस थे जो मुझे नहीं आ रहे थे। और मैंने क्या किया कि जब मैंने डेफिनेशंस लिखी, तो मैंने उसमें मतलब जो जैसे कि पूरा डेफिनेशन के बाद एक जो इक्वेशन देनी होती है वो मैंने नहीं दी, उनमें मेरे काफ़ी मार्क्स चले गए। और मैं ऐसे केस बेस टाइप में मतलब ऐसे जो क्वेश्चंस आए, जैसे कि इसमें हमें पूछा कि अगर एक ग्लास के अंदर ऐसे प्लांट को रखा जाए और साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा जाए तो क्या होगा, इन सब चीज़ों पर मैंने जो बुक में था उनमें मैंने फोकस नहीं किया, जिस वजह से इन ऐसे क्वेश्चन में मैंने सब तुक्का मारा केस बेस क्वेश्चन में। और उनमें कुछ तो सही हो गए पर कुछ सही नहीं हुए। और मैंने ऐसे ही जो मेरे जैसे, और एक और मेरी गलती थी कि मैंने फिज़िक्स में थोड़ा जैसे उसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। वो होते हैं क्वेश्चंस जैसे कि इस अगर जैसे एमीमीटर और उनका कितना इलेक्ट्रिसिटी, ओहम्स लॉ के क्वेश्चंस मैंने इम्प्लीमेंट करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो उस वजह से मेरे साइंस के मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए, मतलब बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए। मैं जहाँ तक बोलूँगी जैसे आए हैं मेरे, आप लोग देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आप हाँ कि आप लोगों के स्कूल में भी हो गए हैं प्री बोर्ड्स और आपको कितने मार्क्स मिले हैं मुझे बताइएगा। फिर यहाँ पे बात करती हूँ सोशल साइंस की। तो सोशल साइंस मेरा काफ़ी ठीक रहा, मुझे 75 मिले, पर यहाँ पे उतना अच्छे से उतना मतलब जैसे कि उसमें भी 75 क्वेश्चन आंसर्स में मुझे फुल मार्क्स मिले, वो ठीक था एकदम। लेकिन यहाँ पे मैंने ये जैसे कि औद किसान सभा वॉज सेटअप बाय द हेडेड ऑफ, तो इसमें मैंने गलत कर दिया, हु फ्रॉम स्वराज पार्टी, इतने जो छोटी छोटी बारीकियों पे मैंने उतना ध्यान नहीं दिया जो कि देना चाहिए था, वरना मुझे और भी अच्छे मार्क्स मिलते। और ये पोर्शन मेरा बहुत अच्छे से हो गया था, क्वेश्चन आंसर में मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने सब एक एक वर्ड वर्ड करके लिखा, उसके बाद मतलब पॉइंट पॉइंट करके लिखा। और उसके बाद मैंने थोड़ा यहाँ पे जैसे कि ये मैप पॉइंटिंग में डिग बॉय ऑयल फील्ड, जैसे इसमें ना बहुत सारे यार जियोग्राफी में इतने सारे मैप पॉइंटिंग है, इनमें बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैंने इसे इतना अच्छे से देखा नहीं, तो इसमें मेरे मार्क्स कट गए, इस वजह से 5 मार्क्स कट गए, वरना ओवरऑल मेरा SST का पेपर ठीक गया। और अब बारी आती है मैथ्स। उफ़, मैथ्स में तो मैंने एकदम मतलब बंटाधार हो रखा है एकदम, मेरे को मैं बताती हूँ मुझे 80 में से 20 मार्क्स मिले, इतने गंदे, मतलब मुझे खुद को देखने का मन नहीं कर रहा है, इतने गंदे मार्क्स मिले। मैंने मैथ्स में प्रैक्टिस किए थे क्वेश्चंस, हर चीज़ किया था, फिर भी एक मैंने सबसे बड़ा जो किया, जो अब मैं कभी नहीं करूँगी, मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है, वो मैंने सेक्शन ए से स्टार्ट किया। कभी भी सेक्शन ए से स्टार्ट मत करिए, प्लीज़ डोंट स्टार्ट विथ सेक्शन ए, आप करिए सेक्शन ई से स्टार्ट, क्योंकि इसमें एक एक क्वेश्चन 5-5 मार्क्स कैरी करता था। और कैलकुलेशंस भी मतलब इसमें अगर
थोड़ा बहुत गलत भी हो जाए तो तुम्हें 4 मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे, एक क्वेश्चन में ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। और मैंने स्टार्ट किया यहाँ से, सेक्शन ए से। सेक्शन ए से मेरा कॉन्फिडेंस ठीक था, पर प्रॉब्लम क्या हुई, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेज ही नहीं हो पाया। सेक्शन ए को कंप्लीट करने में मुझे 1.5 घंटा ऐसे लग गया था, 1.5 आवर, और 3 घंटे का पेपर था। और उसमें फिर मेरी कैलकुलेशंस की प्रॉब्लम, माइंड मतलब घूमता जा रहा था, और जैसे जैसे टाइम जा रहा था घबराहट बढ़ती जा रही थी। और जैसे 1 घंटा बाकी था तो मुझे फिर ऐसे होने लग गया कि अब क्या करूँ। और जैसे ही घबराहट शुरू हुई तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स, सिले मिस्टेक्स, आंसर आ ही नहीं रहा था, कोई फ्रैक्शन में पहुँच रहा था, कोई रूट में पहुँच रहा था। मेरे को पता है कि मतलब मैं क्या ही बोल सकती हूँ, मुझे बताइएगा अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। और मैं क्या ही बताऊँ, मुझे 80 में से 20 मार्क्स मिले, जो भी सिर्फ MCQ की बदौलत मिले। और जो सेक्शन ई था उसको करने का तो मुझे टाइम भी नहीं मिला, इसमें मैंने अटैम्प्ट तक नहीं की क्वेश्चंस, इस वजह से। वैसे इस बार की चेकिंग थोड़ी हार्ड भी थी और प्री बोर्ड्स थे तो थोड़ा क्वेश्चन पेपर भी हार्ड था। जो हमारे मतलब मेरी क्लास में जिसने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए उसको भी सिर्फ 36 मिले, मतलब ओनली पास 80 में से सिर्फ 36, तो और मुझे 20, और मैक्सिमम बच्चे तो 20 क्रॉस कर ही नहीं पाए, मैं भी उनमें से एक थी, मुझे 20 ही मिले। और फिर ये ऐसे मैथ्स का एग्ज़ाम तो मतलब इस बार भी बहुत गंदा गया, पता नहीं मैथ्स में क्या ही करेंगे हम। उसके बाद बात करते हैं हिंदी की, और यहाँ पे इंग्लिश है। तो हिंदी इंग्लिश मेरा ठीक ठाक ही गया। मेरा इंग्लिश इससे पहली बार बहुत अच्छा गया था, मुझे 50 में से 48 मिले थे, सिर्फ 2 मार्क कम। पर इस बार मैंने क्या किया कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर दी ग्रामर पोर्शन में, और कुछ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स, जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक्स ऐसे होती नहीं है, लेकिन उस टाइम पे क्या था कि क्वेश्चन आंसर को स्पीड में लिख रही थी मैं, जल्दी जल्दी लिख रही थी, उस वजह से बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई। और फिर ऐसे करके मार्क्स घटते गए, अच्छा नहीं गया। दोनों में मैंने सेम मिस्टेक किया क्वेश्चन आंसर्स बनाने में, मुझे टीचर ने भी बोला कि और सब ठीक है, आंसर्स भी अच्छे बन जाते, लेकिन ग्रामेटिकल जैसे कि टेंसेस एंड डिटरमिनर्स उन सब में मैं उल्टा पुल्टा लगा देती हूँ उनको, तो मुझे मतलब वो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने पड़ेंगे मुझे ज़्यादा, उनसे ही ठीक होगा। और इस बार का एग्ज़ाम मेरा अच्छा नहीं गया, पर मैं कोशिश करूँगी कि मेरा प्री बोर्ड का एग्ज़ाम मतलब प्री बोर्ड 2 जो अभी होगा जनवरी में, जनवरी 15-16 से शायद, तो उसमें अच्छा करने की कोशिश करूँगी। और अगर आप लोगों का भी एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तो कोई बात नहीं, और मतलब हम अगले एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे, मेरे भी अच्छे नहीं गए हैं। इसमें ये तो नहीं है कि हम अपना पूरा मतलब मोटिवेशन जो भी है सब डाउन कर दें, हमें आगे देखना है। और मेन तो बोर्ड्स हैं, तो आप बोर्ड्स के लिए तैयारी करें, और कोई कुछ भी बोले मत सुनिए। कुछ दिन होता है मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे डांटा, मुझे खुद बुरा लगा, और जैसे हो जाता है ना टीचर्स को भी उतना, वो मुझसे ज़्यादा मार्क्स मतलब चाहते थे कि मेरे को अच्छे मार्क्स मिले, लेकिन उतना हो नहीं पाया। तो फिर भी मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया और कहा कि और मेहनत करो अगली बार, क्योंकि मेहनत तो मैंने की थी पर नहीं हो पाया उतना, तो क्या कर सकते हैं। और अगली बार मैं कोशिश करूँगी कि मुझे एटलीस्ट मैथ्स में 60-70, मतलब 60 तक भी पहुँचेगा तो भी ठीक है, क्योंकि मेरी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है। और इस बार तो मैंने साइंस में भी उतना अच्छा नहीं किया। और आप लोगों को यहाँ पर स्कूटी की आवाज़ आ रही होगी, तो वो अंकल लोग ड्यूटी आते जाते रहते हैं, तो मैं ऐसे वीडियो, ऐसा कोई टाइम ही नहीं है जैसे रात में भी वीडियो बनाऊँ, तो भी मतलब जैसे मैं इंडियन आर्मी क्वार्टर्स में रहती हूँ तो यहाँ पे सुबह शाम रात में हर टाइम अंकल लोग ड्यूटी जाते रहते हैं, तो थोड़ी आवाज़ होगी, तो प्लीज़ एडजस्ट करिएगा। और अभी मैं यहाँ इस वीडियो के लास्ट में वो क्लिप जोड़ दूंगी जिसमें मुझे मार्क्स दिए थे। मैं उतना डिस्क्रिप्टिव वे में तो नहीं बता पा रही हूँ, अगर मेरे पास कॉपी होती तो मैं अच्छे से बताती मैंने कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स की, और उससे मैं आप दोनों सीखते। मुझे ये वीडियो एकदम डालने का मन नहीं था पहले, पर फिर मैंने सोचा कि अगर मैं आप लोगों के साथ अपने सारी अच्छी चीज़ें शेयर करती हूँ कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ, हर चीज़ शेयर करती हूँ, तो रिज़ल्ट शेयर करना और ये शेयर करना भी मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, और करना भी चाहिए ताकि मुझे आपको हम सब एक इससे सीख ले पाएं कि मैंने क्या क्या गलतियां की इस एग्ज़ाम में। और मैं चाहती हूं कि आप, मैं प्री बोर्ड 2 में, मतलब अगर आपके वहां अभी तक प्री बोर्ड नहीं हुए हैं या फिर जैसे भी हो, तो अगले एग्ज़ाम में जो भी हो, वो बोर्ड हो या प्री बोर्ड 2 हो, हम उसमें एकदम फोड़ के आएँ और बहुत अच्छा करें। और बस पेरेंट्स
पेरेंट्स को भी दुख होता है जब हमें अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने हम पे बहुत मेहनत की होती है, दिन भर वो ड्यूटी जाते हैं हमारे लिए, और जब हमें अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं तो उन्हें भी दुख होता है, हमें भी दुख होता है। लेकिन मुझे सपोर्ट किया मेरे पेरेंट्स ने और समझाया कि तुम कर सकती हो और अच्छा करो, ट्राई करो। ट्यूशन्स भी हैं, मैथ्स की ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास ट्यूशन्स नहीं है, मेरे पास दो दो ट्यूशन्स हैं, मतलब स्कूल में एक टीचर है और एक ट्यूशन में भी हैं, पर उतना नहीं हो पाया। और अभी और मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स भी नहीं करते कि तुम मैथ्स में ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाओ, दे ऑल वांट अस दैट आई मतलब मुझे 60 मिल जाए 80 में या 65-70 तक, बस उससे ज़्यादा वो कभी नहीं बोलते कि तुम 80 out of 80 लाओ। बट इन अदर सब्जेक्ट्स दे वांट मी टू डू वेरी गुड एंड दे वांट इन एवरी सब्जेक्ट दैट आई गॉट 75-76 एंड दैट लाइक अबव 70 इन ऑल सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट मैथ। मैथ में वो बोलते हैं कि हम एडजस्ट कर लेंगे, बट तुम्हें और सब्जेक्ट में एडजस्ट करना है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, SST, इन सब चीज़ में बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए तुम्हारे। और बस ऐसे ही था आज का वीडियो, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती थी। तो मिलते हैं आपके साथ दूसरे वीडियो में, मेरे साथ ज्वाइन रहे और हम सब जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है और मैं, हम दोनों, हम लोग साथ में मेहनत करेंगे और साथ में पढ़ के दूसरे एग्जाम में दिखाएंगे कि हम हैं, वी आर कैपेबल फॉर दैट, और हमारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मार्क्स आए तो ही एक बच्चे को सारी पढ़ाई या जो भी है वो समझ आ रहा है, उसको समझ आना इज मेन इम्पॉर्टेंट, बट वही है कि हम एक इंडियन हैं और इंडिया में मार्क्स आर द वन, मार्क्स आते नहीं है कि उससे पहले ही सबका पूछना शुरू हो जाता है बोर्ड, और अभी तो पूछना शुरू भी नहीं किया, अभी तो जब बोर्ड्स के रिजल्ट आएंगे तब पूछा जाएगा कि क्या मार्क्स आ रहे हैं भाई। तो कोई बात नहीं, हम लोगों को देखना है और पढ़ते रहना है, पढ़ते रहिए और साथ साथ अपनी हॉबीज़ भी करिए। ये नहीं है कि सुबह से शाम तक बैठे रहो पढ़ने के लिए, पर पढ़ना भी है हमको, और अभी है, अभी मेहनत करेंगे तभी बोर्ड्स में अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों के साथ दूसरे वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लव यू ऑल गाइज। करके गोल सीटी बजा के बोल।